नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पंकज त्रिपाठी ने बताई अपने जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। साइबर ठगों को लेकर आर्थिक अपराध इकाई ने किया अलर्ट जारी। धान की रोपनी करने वाले किसानों के लिए कृषि विज्ञानी की खास अपील। नेपाल की बारिश से बिहार की कई नदियां उफान पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पंकज त्रिपाठी ने बताई अपने जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। बिहार की आन बान और शान कहे जाने वाले पंकज त्रिपाठी की गिनती आज फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन अभिनेताओं में होती है। उनका बोलने का अंदाज, डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज सभी लाजवाब होते हैं, चाहे कोई भी किरदार हो बखूबी निभाना जानते हैं। इस बीच उन्होंने बताया कि उन्हें बॉलीवुड में पहली फिल्म कैसे मिली थी। न्यूज 18 इंडिया द्वारा दिल्ली के ताज पैलेस होटल में आयोजित खास कार्यक्रम में उन्हें अमृत रत्न सम्मान से नवाजा गया। इस दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपना बयान दिया, जिनमें उन्होंने कहा कि मैं इरफान खान से बहुत प्रभावित हूं। दूसरा ये कि राजनीति में मजा नहीं आया, इसलिए छोड़ दी। साथ ही मैंने पूरे जीवन में 50 से 60 फिल्में देखी हैं। फिल्म देखने की बात पर पंकज त्रिपाठी ने कहा कि बचपन में मिथुन चक्रवर्ती और संजय दत्त की कई फिल्में देखी है। SSP अब रोज लेंगे थाने के अधिकारियों से फीडबैक। DGP SK सिंघल की अध्यक्षता में ऑनलाइन बैठक में यह जानकारी सामने आई है कि इन दिनों हाईवे पर लूट की वारदात बढ़ गई है। इस घटना को देखते हुए DGP ने सभी SSP SP को रोजाना प्रत्येक थाना के पदाधिकारियों से नियमित बात करने के लिए कहा गया है और SSP हर दिन उनको टास्क देंगे। वहीं किस थाना में कितनी गिरफ्तारी हुई इसकी प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी SDPO और अंचल निरीक्षक को दी गई है। बीते दिन सभी रेंज और जिलों के पुलिस पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में पुलिस महानिदेशक ने गिरफ्तारी कांडों का निपटारा सहित किस जिला में पूर्व के निर्देशों पर कितना पालन किया गया इसकी जानकारी ली। साइबर ठगों को लेकर आर्थिक अपराध इकाई ने किया अलर्ट जारी। साइबर ठग लगातार नए नए तरीके अपनाकर लोगों को चूना लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यही नहीं, अब साइबर ठगों ने बिजली उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन काट देने का भय दिखाकर आए दिन किसी न किसी से ठगी कर रहे हैं। पुलिस के साइबर सेल की रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक माह में सिर्फ पटना जिले में साइबर बदमाशों ने बिजली कनेक्शन काटने का भय दिखाकर लोगों के खाते से 50 लाख से अधिक राशि निकाली। खास बात यह है कि लगातार हो रही ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों ने बीते दिन EOU आर्थिक अपराध इकाई में शिकायत की, जिसको लेकर आर्थिक अपराध इकाई ने अलर्ट जारी किया है। EOU ने लोगों से अपील की है कि मोबाइल पर अज्ञात नंबर से आए SMS के आधार पर किसी तरह का भुगतान ना करें। धान की रोपनी करने वाले किसानों के लिए कृषि विज्ञान की खास अपील। बिहार मानसून को लेकर अभी दो धारी तलवार पर खड़ा है। एक और जहां राज्य के 35 जिलों में बारिश के लिए लोग तरस रहे हैं, वहीं सीमांचल के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बिहार में जिस तरह से सावन महीने में कम बारिश देखने को मिली है, इसी तरह भादो और आश्विन में भी कम बारिश होने के आसार हैं। फिलहाल बिहार अभूतपूर्व सूखे की तरफ बढ़ रहा है, इससे धान जैसी फसल की सिंचाई मुश्किल होगी। इस दौरान IMD के पूर्वानुमान के आधार पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के वरिष्ठ कृषि मौसम विज्ञानी डॉक्टर ए सत्तार ने किसानों से आग्रह किया है कि अगर बिचड़ा है तो केवल निचले इलाकों में उसे रोपें, वह भी कम समय में पकने वाले धान की किस्म का उपयोग करें। उचास वाले इलाकों में अरहर उचित रहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर कोरोना से उबर चुके हैं। उनका कोरोना टेस्ट अब नेगेटिव आ चुका है। मालूम हो कि हाल ही में 26 जुलाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद उन्होंने खुद को अपने आवास पर ही आइसोलेट कर लिया था। कोरोना संक्रमित होने की वजह से मुख्यमंत्री ने इस दौरान कई कार्यक्रमों का हिस्सा भी नहीं बन पाए थे, जिनमें नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण सहित 2 दिवसीय दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा से मुख्यमंत्री नहीं मिल पाए थे। हालांकि एक बार फिर से मुख्यमंत्री कोरोना को मात देकर आइसोलेशन से बाहर आ गए हैं। नेपाल की बारिश से बिहार की नदियां उफान पर। बिहार अभी दो धारी तलवार पर खड़ा है। इधर बारिश के अभाव में बिहार के 35 जिले सूखे की स्थिति में हैं। जितनी बारिश इधर हो रही है वह पर्याप्त नहीं है। वहीं दूसरी ओर नेपाल में हो रही आफत वाली बारिश की वजह से बिहार के सीमांचल के कई क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। आपको बता दें कि नेपाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर बिहार के कई हिस्सों में लगातार बारिश से कई नदियाँ उफान पर हैं। गंडक, कोसी, बागमती, महानंदी और कमला बलान नदियाँ बिहार में कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं बीते दिन गंडक और कोसी बराज पर दबाव बढ़ने
घंटे से सभी गेट खोल दिए गए। अब तक गंडक नदी में 3.15 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, तो वहीं कोसी नदी में 2.30 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। उद्योग मंत्री ने बिहार के उद्योगपतियों से की खास अपील, बिहार में सामान बनाकर बाहर बेचें। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन बिहार में उद्योग लगाने के लिए प्रयासरत हैं, ताकि बिहार में उद्योग का विस्तार हो, साथ ही लोगों को भी अपना खुद का व्यापार और अपना उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने निवेशकों से अपील की है कि देश के दूसरे हिस्सों में सफलता से उद्योग चला रहे बिहारी अपने उद्योग का नया विस्तार बिहार में करें। उन्होंने कहा कि बिहार और इसके आसपास 54 करोड़ की आबादी का बड़ा बाजार उपलब्ध है, राज्य में उत्पादन करिए और पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों के साथ ही नेपाल, वर्मा, बांग्लादेश समेत पड़ोसी मुल्कों में भी बेचिए। बीपीएससी परीक्षा के पेपर लीक मामले में डीएसपी रंजीत रजक को किया गया सस्पेंड। बीपीएससी 67वीं परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार डीएसपी रंजीत रजक को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। इसको लेकर गृह विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। आपको बता दें कि बीपीएससी पेपर लीक कांड की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई की एसआईटी को डीएसपी के खिलाफ कई सबूत मिले थे, जिसके बाद बीते महीने की 13 जुलाई को डीएसपी रंजीत रजक को गिरफ्तार किया गया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि रंजीत रजक बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस 14 में तैनात थे। विक्रमशिला सेतु के अप्रोच रोड को एनएच विभाग ने किया टेक ओवर। पथ निर्माण विभाग ने विक्रमशिला सेतु के अप्रोच रोड को एनएच विभाग को हैंड ओवर कर दिया है। बीते दिन दोनों विभागों के बीच लिखित तरीके से हैंड ओवर टेक ओवर की प्रक्रिया पूरी की गई। आपको बता दें कि इस काम में पथ निर्माण विभाग को पूरे 3 साल लग गए और अब करीब 10 किलोमीटर लंबी अप्रोच सड़क एनएच विभाग को चली गई है। इसका रखरखाव से लेकर निर्माण कार्य अब एनएच विभाग करेगा। आपको बताते चले कि नवगछिया से लेकर विक्रमशिला सेतु के अप्रोच रोड समेत बाईपास होकर विलजोर हंसडीहा तक रोड को एनएच का दर्जा मिला है। इसका एनएच 133I नाम पड़ा है। जब से यह रोड एनएच घोषित हुआ है, तभी से पथ निर्माण विभाग की कोशिश थी कि इसको एनएच विभाग टेक ओवर कर ले और आखिरकार यह बीते दिन संपन्न हुआ। एसएससी ने जारी किया एमटीएस का आंसर की। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने बीते दिन मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस और हवलदार सीबीआईसी एंड एनसीबीएन भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। आंसर की आप आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर देख सकते हैं। साथ ही इस वेबसाइट पर रिस्पॉन्स शीट भी उपलब्ध करा दी गई है। यदि किसी अभ्यर्थी को पूछे गए प्रश्नों या उनके उत्तर को लेकर कोई आपत्ति है, तो वह 2 अगस्त को रात 8 बजे से 7 अगस्त 2022 को रात 8 बजे तक निर्धारित शुल्क के साथ अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। शुल्क 100 रुपये प्रति आपत्ति के हिसाब से जमा कराना होगा। मालूम हो कि एसएससी एमटीएस और हवलदार परीक्षा 5 जुलाई से 26 जुलाई 2022 तक देश भर में आयोजित की गई थी। निर्माणाधीन टावर की 17वीं मंजिल से गिरने से 4 बिहारी मजदूरों की गई जान। बीते दिन देर शाम आई एक बेहद ही बुरी खबर, जहां बिहार के करीब 4 मजदूरों की जान चली गई। दरअसल दिल्ली से सटे गुरुग्राम में मंगलवार शाम एक निर्माणाधीन बहुमंजिला रिहायशी इमारत की 17वीं मंजिल से गिरकर बिहार के 4 मजदूरों की जान चली गई। मृतकों में 1 किशनगंज और 3 गोपालगंज के रहने वाले थे। गोपालगंज का एक अन्य मजदूर भी घायल हुआ है। खबर लिखे जाने तक वह अस्पताल में इलाजरत था। जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम के सेक्टर 77 में पाम हिल्स सोसाइटी के एक निर्माणाधीन टावर में कुछ मजदूर क्रेन लिफ्ट हटाने का काम कर रहे थे। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से 5 मजदूर नीचे गिर गए। AIMIM विधायक को अल्पसंख्यक कल्याण समिति से किया गया बाहर। AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान को विधानसभा की अल्पसंख्यक कल्याण समिति से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया गया है। बीते दिन यह कार्रवाई विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने की है। दरअसल बीते 30 जुलाई को विधानसभा के अल्पसंख्यक कल्याण समिति के सभापति आफाक आलम ने विधानसभा अध्यक्ष से यह शिकायत की थी कि समिति की बैठकों में AIMIM के विधायक और समिति के सदस्य अख्तरुल ईमान अपनी पार्टी का एजेंडा चलाते हैं। साथ ही उन पर आरोप था कि वे बैठक को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद यह कार्रवाई की गई है। T20I में इस उपलब्धि को हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हार्दिक पांड्या। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे T20I में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। मैच में गेंदबाजी करते हुए हार्दिक ने जैसे ही वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज ब्रेंडन किंग को आउट किया, उन्होंने T20I करियर का 50वां विकेट हासिल कर लिया। इस तरह वो भारत के पहले पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने 50 विकेट और 500 रन बनाए हैं। इससे पहले दूसरे T20I में ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी अपने 50 विकेट पूरे किए थे। देश सहित बिहार में कोरोना के मामले में उतार चढ़ाव जारी।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी बुधवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के 17,135 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत की रिकवरी रेट 98.49% है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 47 है। वहीं बिहार की बात करें तो यहाँ बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटों के आंकड़े के अनुसार कोरोना के संक्रमण के मामले में मामूली कमी आई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 180 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 76 नए मामले सामने आए हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है शंकर मुखिया, राजकुमार प्रसाद, जुगेश कुमार, ओमकार सिंह, सुजीत कुमार, नुन्नू कुमार, रामलाल सिंह, कुमार कौशल सिंह, कौशल किशोर, रंजीत मिश्रा, सलीम भाई और संजीत कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि बिहार में सूखे की स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम से क्या आप संतुष्ट हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।